हजारों की तादाद में आते थे उसी तरह से दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। देखिए किसी किस्म की थ्रेट जो है उसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो अलकायदा दे या कोई और जमात दे, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है जिन्होंने उस तरह जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम जो मुस्लिम उम्मा है वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में हैं, वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके एक बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ, तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने मुझे नहीं मालूम कौन सी कहां थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक एक बना था एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए।